विराट कोहली और एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सालों तक खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन दोनों की मैदान के बाहर की दोस्ती भी खूब चर्चा में रही है और इसी दोस्ती के चलते इन दोनों के बहुत से किस्से भी हैं। अब इन किस्सों में कुछ नई बातें जुड़ने वाली है। विराट कोहली ने एबीडी के यूट्यूब शो 360 में कुछ कमाल के खुलासे किए हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कोहली ने एबीडी के साथ चर्चा के दौरान सबसे अच्छे और सबसे खराब रनर की बात की। इस चर्चा में दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते थे, इसीलिए कोहली ने एमएस धोनी और डिविलियर्स ने फॉफ डुप्लेसी को चुना। विराट ने इसी चर्चा में सबसे घटिया रनर की बात भी की। उनके मुताबिक चेतेश्वर पुजारा विकेट के बीच सबसे खराब रनिंग करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच से पहले विराट और एबीडी ने इस लाइव शो में चर्चा की। विराट कोहली ने 2011 वर्ल्ड कप और बीते बरस पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच को अपने करियर का सबसे बेस्ट माहौल करार दिया। इस लंबी बातचीत के दौरान एबीडी और कोहली ने क्विक सिंगल राउंड में भाग लिया। यहां इन दोनों ने अपने साथ खेले विकेट्स के बीच सबसे तेज भागने वाले प्लेयर्स का नाम बताया। कोहली ने बिना झिझके एमएस धोनी का नाम लिया। धोनी अपनी बेहद तेज रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए मशहूर थे, जबकि एबीडी ने अपने हमवतन डुप्लेसी का नाम लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।